तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी आर्मी के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सोलो टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, क्योंकि गाइज यहां पे सोलो में अभी बहुत ही सारे बंदे अच्छे अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए रियल वीडियो लाया हूँ, और इस वीडियो को मैंने बनाने से पहले मैंने सोच रखा था कि मैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक खुद भी अप्लाई करूँगा और आपको भी दूंगा। तो इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो इंट्रो के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज यहाँ पे आज मैं आपको सोलो टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे अभी डुओ और यहाँ पे स्क्वाड में बहुत सारे रिवाइवल पॉइंट आ चुके हैं, उससे बहुत सारा यहाँ पे दिक्कत होता है डुओ और स्क्वाड में यहाँ पे रैंक पुश करने में। इसलिए गाइज इस वीडियो में आपको सोलो टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, और इस वीडियो के बनाने से पहले मैंने सोच रखा था कि यहाँ पे मैं इस वीडियो को टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करूंगा और वही टिप्स एंड ट्रिक आपको दूंगा। तो हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक जो होने वाला है गाइज यहाँ पे लैंडिंग के ऊपर होने वाला है, कि इसके लिए आपको दो तीन प्लेस को यहाँ पे चूज करके रखना होगा कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पे जैसे हो गया गाइज ऑब्जर्वेटरी, सेंटोसा और ग्रेवयार्ड। गाइज ये तीन जगह बहुत ही ओपी जगह होती है गाइज, यहाँ पे आपको लूट भी मिल जाएगा और सामने वाले बंदे को आप आसानी से मार लोगे। तो गाइज यहाँ पे दूसरा टिप्स एंड ट्रिक जो होने वाला है, आप जब भी खेल रहे हो यहाँ पे सोलो तो आपको इसमें स्कैनर लेके आना गाइज। अगर आप स्कैनर लेके आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे उसके देखने को मिलेंगे जहाँ भी बंदे उतर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे पिछली मैच देखी होगी, नहीं तो गाइज आपने जितने भी वीडियो देखे मैंने स्कैनर लेके खेला है, और गाइज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस मैच में भी मैंने स्कैनर का यूज किया और मैंने बंदों को यहाँ पे देख लिया था कि बंदे कहाँ उतर रहे हैं, जिससे कि मैं उन्हें आसानी से मार पाया। तो यहाँ पे दूसरा ट्रिक बहुत ही अप्लाई जरूर करना गाइज, बहुत सारे बंदे स्कैनर लेके नहीं खेलते, तो गाइज जरूर से जरूर यहाँ पे स्कैनर लेके आप लोग खेलो। तो तीसरा टिप्स एंड ट्रिक जो गाइज मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, ये टिप्स एंड ट्रिक ये होने वाली कि गाइज जब भी आप यहाँ पे सोलो खेल रहे हो तो आपको उससे पहले यहाँ पे 10 मिनट ट्रेनिंग करना है गाइज, जिससे आपका हाथ यहाँ पे अच्छे से बैठ सके गेम में और आप आसानी से सामने वाले बंदे को मार सको। क्योंकि गाइज मैंने बहुत बार ऐसे ही सोलो स्टार्ट किया, गेम प्ले किया और यहाँ पे मैं कभी भी बोया नहीं ले पाया, टॉप टू भी नहीं, यहाँ पे माइनस ही जाती थी। तो गाइज यहाँ पे आपको जरूर से जरूर 10 मिनट यहाँ पे पहले ट्रेनिंग खेलना है। अगर आप ट्रेनिंग खेलते हो तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और जिस भी बंदे को फायदा मिलता है गाइज यहाँ पे एक लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइज इस टिप्स एंड ट्रिक को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे खुद भी यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स पाया गाइज। तो आप लोग भी जरूर यहाँ पे अप्लाई करना, 10 मिनट गाइज यहाँ पे रैंक पुश करने से पहले आपको ट्रेनिंग खेलना है। अगर आप ट्रेनिंग खेलते हो तो आपका हाथ बैठ जाएगा और सामने वाले बंदे को आप आसानी से मार दोगे। तो यहाँ पे चौथा टिप्स जो हमारा होने वाला है यहाँ पे बहुत ही ओपी होने वाला है, क्योंकि इस टिप्स एंड ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे सोलो में यूज करना है, जिससे कि आप यहाँ पे आसानी से बोया निकाल सको। तो गाइज यहाँ पे आपको इसके लिए दो कैरेक्टर में प्रीफर करता हूँ, आलोक थोड़ा सा नहीं भी यूज करोगे तो गाइज चलेगा, बट बुकोंग और करोनो में आप दो जो भी अच्छा यहाँ पे चलाते हो गाइज यूज कर पाते हो उस कैरेक्टर को आप यूज करो। गाइज यहाँ पे मैं पर्सनली बताऊँ तो गाइज मैं बुकोंग यूज नहीं कर पाता, इसलिए गाइज मैं करोनो लेके खेलता हूँ, और करोनो के साथ गाइज आप बुकोंग या करोनो के साथ दोनों भी कैरेक्टर्स के साथ गाइज आपको यहाँ पे मैक्सिन जरूर रखना है। अगर आप मैक्सिन रखते हो तभी गाइज यहाँ पे आप काफी ओपी तरीके से इन दोनों कैरेक्टर को हैंडल कर पाओगे। तो गाइज इन दोनों कैरेक्टर को यहाँ पे जरूर से जरूर रखना, और अगर आपके पास आलोक है तो वो भी बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर गाइज, क्योंकि उससे आप यहाँ पे जोन में रह के आराम से थोड़ा सा सर्वाइव कर सकते हो और अपना रैंक बचा सकते हो। तो यहाँ पे पांचवा टिप्स एंड ट्रिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रसर प्लेयर हो और आप भी यहाँ पे रैंक पुश करना चाहते हो, हीरोइक जल्दी से जाना चाहते हो, तो आप इस टिप्स एंड ट्रिक को अप्लाई करके आसानी से हीरोइक जा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रसर प्लेयर हो तो जब तक आपको ग्लूबल ना मिले गाइज आप कभी भी यहाँ पे रस मत करो। अगर आपको ग्लूबल मिलती है तब गाइज आप यहाँ पे खुले में जाके मारो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे को 12 ग्लूबल मिल चुकी है, और फिर भी मैं यहाँ पे जोन के साथ ही चल रहा हूँ, मैं काफ़ी सेफ्टी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि गाइज मेरे को यहाँ पे बोया निकालना है। मैंने पहले वीडियो के पहले बता रखा है गाइज कि यहाँ पे मैं सोच के आया था गाइज जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करूंगा और उसी से गाइज यहाँ पे मैं बोया निकालने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने दो बंदों को मार दिया, और गाइज काफी ओपी तरीके से मैंने यहाँ पे
थर्ड जोन भी पार कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस छत के ऊपर यहाँ पे बंदा मिलता है। और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग कतई यहाँ पे रिक्स मत लेना, क्योंकि गाइज अगर आप रिक्स लेते हो तो आपको मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए गाइज रिक्स मत लेना। यहाँ पे देखो गाइज पीछे जगह है, मैं उधर भी बैठ सकता था जहाँ पे वो बंदा सर्वाइव कर रहा था। और आप लोग भी ऐसा करो गाइज, यहाँ पे अगर आप रिक्स नहीं लेना चाहते हो तो आप पीछे आराम से बैठो और इनमें आप लोग फाइट ले सकते हो। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद गाइज इस बंदे को तो मैं मार देता हूँ, बट आपको ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है गाइज। यहाँ पे आपके लिए पीछे भीमा शक्ति के पीछे भी जगह है, आपको धीरे धीरे जोन में घुसना है और आप आसानी से यहाँ पे बोया निकालना है। क्योंकि गाइज यहाँ पे मैं ज़्यादा पुश नहीं कर रहा रैंक, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब भी मैं रैंक पुश करूँगा तो आसानी से हीरोइक चला जाऊँगा। बट यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मेरे को ये गेम बोया चाहिए था, इसलिए गाइज मैंने बोया ट्राई करने के लिए ज़्यादा भी रिक्स नहीं लिया यहाँ पे, नहीं तो मैं ऊपर जाके भी इस बंदे को मार सकता था। फिर भी गाइज मैंने यहाँ पे रश नहीं किया। तो गाइज आप लोग में से कोई भी बंदा ऐसे भाई ऐसे सिचुएशन में निकलने की सोचो, क्योंकि गाइज अगर आप रश करते हो तो यहाँ पे आपका माइनस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पे अभी भी 15 बंदे हैं, तो गाइज इतनी सारी मेहनत यहाँ पे एक सोलो मैच गेम प्ले करने में आपको गाइज 20 मिनट लगते हैं। और 20 मिनट में गाइज अगर आप यहाँ पे 20 प्लस भी ना कर पाओ गाइज तो फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप 20 मिनट खेलते हो तो गाइज कम से कम यहाँ पे 20 प्लस तो करना ही है। तो जो भी बंदे वीडियो देख रहे हो गाइज यहाँ पे रश मत करो। अगर आप हीरोइक जाना चाहते हो, हीरोइक जाने के बाद आप जरूर से जरूर रश करो यहाँ पे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बैनर मिल जाएगा, शर्ट मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप जल्दी से जाना चाहते हो तो कभी भी रश मत करो। तो छठा टिप्स एंड ट्रिक गाइज यहाँ पे हमारा गन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि गाइज अगर आप सोलो खेल रहे हो तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी गन यूज कर सकते हो जिससे कि आप यहाँ पे आसानी से बोया निकाल सकते हो। तो गाइज इन गनों का मैं नाम ले लेता हूँ। जैसे गाइज अगर आप SKS यूज करते हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट है गाइज, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता है। K98 यूज करो या M14 यूज करो, ये सारी गन जो है गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देती है। और बहुत सारे बंदे यहाँ पे BSS यूज कर सकते हो, क्योंकि गाइज BSS भी काफ़ी OP गन है। तो जो भी बंदे देख रहे हो गाइज यहाँ पे स्कार मत थोड़ा सा कम यूज करना। तो अगर आप लोग यहाँ पे रैंक पुश करना चाहते हो और गाइज अगर आप यहाँ पे ड्रैग हेड्स थोड़ा कम मारना जानते हो तो आप लोग ये गन लेके गाइज आप आसानी से अच्छा डैमेज दे सकते हो और सामने वाले बंदे को मार सकते हो। तो गाइज मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं कि गाइज आप यहाँ पे स्कार यूज मत ही करो भाई, जो भी बंदे अच्छे चला लेते हैं गाइज जिससे OP वाला हेड मार लेते हैं गाइज वो सारे बंदे यूज कर लो भाई, जो भी आपका बेस्ट गन है वो यूज कर लो। बट जिनका गाइज यहाँ पे थोड़ा सा कम ड्रैग लगता है यहाँ पे आप लोग गाइज जो भी ज़्यादा डैमेज देने वाली गन है गाइज वो गन यूज करो, जिससे कि गाइज यहाँ पे आप आसानी से बोया निकाल सको, सामने वाले बंदे दो गोली में मर जाए। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो K98 में यूज कर रहा हूँ, तो गाइज K98 में आपको ये फायदा है कि गाइज अगर आप दो गोली किसी भी बंदे को मार दो तो आप आसानी से मार सकते हो। मैं यहाँ पे डबल K98 भी यूज कर सकता था, बट भाई यहाँ पे मेरे पास ज्यादा जीविका रैम वाला फोन नहीं है, नहीं तो गाइज मैं जरूर यहाँ पे डबल K98 यूज करता, क्योंकि गाइज मेरे को डबल K98 बहुत ही पसंद थी और मैं सोलो में पहले बहुत चलाता था। तो अगर आप भी यूज करना चाहते हो तो गाइज यूज कर सकते हो। बट गाइज अगर आप यहाँ पे देख सकते हो सामने दो गोली में बंदा खत्म, तो गाइज आप लोग भी यहाँ पे ज्यादा डैमेज देने वाली गन यूज करना, जिससे कि आप भी यहाँ पे सामने वाले बंदे को आसानी से मार सके। तो सातवां टिप्स एंड ट्रिक यह हमारा होने वाला है कि गाइज आपको सामने वाले बंदे के ऊपर कभी भी रश नहीं करना है गाइज, सामने वाले बंदे को अपने ऊपर रश करने देना है जिससे कि गाइज आप उसे आसानी से यहाँ पे पीक लेके मार सको। तो जो भी बंदे देख रहे हो गाइज कभी भी यहाँ पे दूसरे बंदे पे रश मत किया करो, सामने वाले बंदे को रश करने का मौका दो और आप आसानी से मार दो। तो जो भी बंदे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर ठोकिस महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो सच में गाइज आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे लाइक कर देना। और वीडियो कैसा लगा गाइज, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो भी बंदे वीडियो देख रहे हो गाइज दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे देख सकते हो सामने वाला बंदा मेरे को मार देता है, तो गाइज इसके लिए कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे मैं आसानी से मार सकता था बट यहाँ पे मैंने गलती की और यहाँ पे मैं उस बंदे से मर गया। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।